आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे इंसानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें उनके क्राइम के लिए बहुत ही अजीब और गरीब सज़ा दी गई है, जिस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा। आप यही सोचोगे कि दुनिया में लोगों को क्राइम करने के बाद ऐसी अजीब और गरीब सज़ा भी दी जाती है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। नंबर एक, अमेरिका में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था डेविड बेरी, और उस शख्स ने सैकड़ों हिरणों का शिकार किया सिर्फ मज़े के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा शिकारी हूँ। परंतु साल 2018 में उसे इस जुर्म का दोषी पाते हुए अदालत में पेश किया गया और जज ने उसे एक साल तक जेल में रहकर डिज्नी का बॉम्बे कार्टून शो देखने की सज़ा सुनाई। क्यों दोस्तों, चौंक गए ना इतनी अजीबोगरीब सज़ा सुन के? और जिनको नहीं पता बॉम्बे कार्टून शो क्या है, बॉम्बे कार्टून शो एक हिरण का कार्टून शो है जो कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, और जिनको हिरण पसंद नहीं है वो इस कार्टून शो को देखें, उन्हें हिरणों से प्यार हो जाएगा। इसीलिए जज ने डेविड को ऐसी अजीब और गरीब सज़ा सुनाई ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो, उसे यह पता चले कि उसने कितने सारे मासूम जानवरों को मार दिया सिर्फ अपने मज़े के लिए। नंबर दो, साल 2003 में अमेरिका के शिकागो में रहने वाले दो लड़कों ने क्रिसमस की शाम को चर्च में जाकर ईसा मसीह की मूर्ति को चुराया और उसे नुकसान पहुँचाया। इस जुर्म का दोषी पाते हुए इन दोनों लड़कों को अदालत में पेश किया गया और जज ने इन्हें 45 दिनों की जेल और इसके अलावा इन दोनों को गधे पर बिठा के इनके ही इलाके में घुमाएगा। क्यों दोस्तों, चौंक गए ना? ये तो सच में ही बहुत ही अजीब और गरीब सजा थी, और सच में इन लड़कों की बहुत ही बेइज्जती हुई होगी। खैर, इन्होंने काम भी ऐसे ही किया था कि इन्हें ऐसी सज़ा मिलनी भी चाहिए थी। नंबर तीन, स्पेन में रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया, और आप अंदाज़ा लगाइए कि उसने अपने माता पिता पर किस बात पर केस किया होगा। उसने सिर्फ इस बात पर केस किया कि उसके माता पिता ने उसे पॉकेट मनी देना बंद कर दिया था। क्यों दोस्तों, चौंक गए ना कि दुनिया में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पॉकेट मनी ना देने पर अपने माता पिता पर केस कर दें। पर जब इस केस की सुनवाई अदालत में हुई तो जज ने उस लड़के को ही सजा दी जिसने कि अपने माता पिता पर केस किया था। जज ने कहा कि उसे एक महीने के भीतर अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ेगा। खैर, ये सज़ा उसके लिए बिल्कुल ही सही थी क्योंकि वो लड़का 25 साल का हो चुका था और अपने माता पिता के पॉकेट मनी पर जी रहा था, इसलिए जज ने उसे ये सज़ा सुनाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आत्मनिर्भर बन। नंबर चार, साल 2008 में एंड्रयू नाम का एक व्यक्ति अपनी कार में बहुत ही तेज आवाज़ में अपना पसंदीदा रैपिंग गाना सुन रहा था और ट्रैफिक हवलदार ने उसे पकड़कर जब ट्रैफिक कोर्ट में पेश किया तो जज ने उस पर 120 पाउंड का जुर्माना लगाया, यानी कि तेज संगीत सुनने के लिए उस पर 11 से 12 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। और जब उस लड़के ने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं ऐसा क्राइम दोबारा नहीं करूँगा तो उसके जुर्माने को कम करके सिर्फ 30 पाउंड किया गया। परंतु जज ने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि उसे लगातार 20 घंटों तक अमेरिका का शास्त्रीय और धार्मिक संगीत सुनना पड़ेगा। ये भी सज़ा बहुत ही बढ़िया थी कि एक ऐसा शख्स जिसे कि रैपिंग और हिप हॉप गाने ही पसंद आते हों सिर्फ उसे धार्मिक और शास्त्रीय संगीत सुनना पड़ेगा 20 घंटों तक। नंबर पाँच, अमेरिका में एक 17 वर्षीय लड़का रहता था जिसका नाम था टाइलर, और वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसके साथ उसका दोस्त भी बैठा था, और होना क्या था, शराब के नशे के कारण उसने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया जिसके कारण उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। और जब टाइलर को उसके क्राइम के लिए अदालत में पेश किया गया तो जज ने उसे ज़्यादा कड़ी सज़ा नहीं सुनाई, परंतु उसे जो सज़ा सुनाई गई वो बहुत ही अजीब और गरीब थी। पहले तो उसे कहा गया कि उसे अपने हाई स्कूल और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और एक साल तक लगातार उसको ड्रग और शराब और निकोटीन का टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि पता चलता रहे कि वो शराब तो नहीं पी रहा है। और सबसे अजीब और गरीब सज़ा तो उसे यह सुनाई गई कि उसे लगातार 10 साल तक चर्च जाना। क्यों दोस्तों, है ना कितने अजीब और गरीब सज़ा? दोस्तों, आज की वीडियो देख के आप चौंक गए होगे और यही सोच रहे होगे कि दुनिया में लोगों को क्राइम करने के बाद ऐसी अजीब और गरीब सज़ा भी दी जाती है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि इन पाँचों में से आपको कौन सी सज़ा सबसे अजीब लगी। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।